हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे देश की महिमा हर जगह फैली हुई है। हमारे देश की भूमि वो पवित्र भूमि जहाँ ऋषि मुनियों ने सदियों तक तपस्या की। हमारे देश की धरती पर जन्म लेकर हमारे देश की धरती को पावन बनाया। अपनी दिव्य दृष्टि से समय समय पर उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की, आज लोग ना चाहते हुए भी उन पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा, जो भविष्यवाणियाँ की अपनी दिव्य दृष्टि से, उन्होंने जो देखा, आज वो घटनाएं सत्य होती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। इसलिए इंसान ना चाहते हुए भी मानने पर विवश हो गया है कि दिव्य दृष्टि भी जैसी कोई चीज़ होती है। और यदि हम ध्यान लगाएं, उस यूनिवर्स से जुड़ना चाहें, तो एक साधारण इंसान भी उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके कर्म सही होने चाहिए और वो नेक राह पर चलने वाला इंसान होना चाहिए। ईश्वर का साथ उस इंसान को भी मिल जाता है जिसके पास न पावर होती है, न पोजीशन होती है, न पैसा होता है, न ही कुछ और, लेकिन उसे दिव्य दृष्टि ज़रूर प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा वो समाज कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन को लगा देता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको संत मावजी की भविष्यवाणियाँ, उन्होंने चोपड़ा में जो लिखा है, जिसे पुस्तक राजस्थानी भाषा में चोपड़ा कहते हैं, 5 पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिसमें से मैंने कहा 4 पुस्तक हमारी इंडिया में है, लेकिन 5वीं चली गई है बाहर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, और एक म्यूज़ियम में लंदन में सुरक्षित रखी गई है। क्योंकि वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि ज्योतिषी भी थे। आने वाले समय की सटीक गणना कर सकते थे। उनके पास दिव्य दृष्टि भी थी, क्योंकि श्री कृष्ण के वो लीला अवतार कहे जाते थे, उन्होंने तप किया था। तप करने के बाद उन्हें जो दिव्य दृष्टि मिली, उसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी लिखनी और बोलनी शुरू की। तो वो एक अच्छे ज्योतिषी तो थे ही, लेकिन इसके अलावा विज्ञान में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उन्होंने कलयुग के मनुष्यों को लेकर कलयुग की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ ऐसी की हैं, जो समय समय पर मैं आपको एक एक टॉपिक कवर करती रहूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे उनके चोपड़े में से लाइन्स उठाई, जो उन्होंने अपनी भाषा में लिखी, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है ये बतलाया। अब उनके अकॉर्डिंग जो बात उन्होंने कही, वो आज मैं बतलाने जा रही हूँ, और किस प्रकार वो सत्य होंगे, अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली हैं। कलयुगी मनुष्य, आज का मनुष्य, कल की अवतार के साथ इतना अधिक मिसबिहेव करेगा, क्यों करेगा, ये 2 पॉइंट मैं कवर करूंगी आज के वीडियो में। पहली बात कि मिसबिहेव आज के मनुष्य उनके साथ करेंगे और उसकी इंतहा वो पार कर जाएंगे। जैसे दुर्योधन ने अपने मन में श्री कृष्ण के बारे में ये सोच उत्पन्न की कि ये कैसा इंसान है, इसे तो मैं पकड़ के जेल में डाल दूंगा, तो क्या श्री कृष्ण को पता नहीं चला? पता चल गई वो बात, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान थे, उनके पास वो दृष्टि थी, वो तो अवतार थे और पूर्ण अवतार, तो उन्हें कैसे पता नहीं चलता। लेकिन दुर्योधन अपनी दुष्टता के कारण श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाया, और इसलिए उन पर विश्वास भी नहीं किया, और उनके बारे में गलत राय अपने मन में वो कायम करने लगा। लेकिन इसके बाद दुर्योधन का जो हश्र हुआ वो सभी को पता है। तो आज के मनुष्य भी चूंकि कल की अवतार को पहचान नहीं पाएंगे, वो मानव अवतार हैं, धरती पर रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही वो इनविजिबल रहेंगे, बिल्कुल विजिबल होंगे, लेकिन उनको पहचानने के लिए जो दृष्टि एक इंसान के पास होनी चाहिए, वो जिसे वो प्रदान करेंगे, वही इंसान उस वाइब्रेशन को, उनके डिवाइन एनर्जी को, उनके शरीर से जो निकलने वाली खुशबू है उसको, उनके डिवाइन ऑरा को वो अट्रैक्ट
वो समझेंगे कि ये कोई ऐसी अलग पर्सनालिटी है, ये कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न रूपों में छद्म वेश धारण करेंगे और अलग अलग रूपों में पूरे संसार में घूमते रहेंगे, क्योंकि उनका मिशन चलेगा, उनका युग परिवर्तन का कार्य चलेगा। तो धरती पर वो ना रहें ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज का इंसान जो है वो अपने ईगो के लिए इतना मशहूर हो गया है कि हर जगह उसे सिर्फ मैं की भावना ही दिखती है। मैं के आगे वो सामने वाले की तरफ, सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है और कैसा है, या सामने वाला भी कुछ पावर रखता है, इस बात को वो सिरे से नकार रहा है। क्योंकि आज का इंसान कल की अवतार को नहीं पहचान पाएगा अपनी साधारण दृष्टि से, इसलिए कल की अवतार जो कि समझाने के लिए जाएंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि हमेशा टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि सडन अटैक होगा, वार्निंग अलार्म अपने डिवोटीज के माध्यम से, प्योर सोल्स के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाएंगे। उनकी अपनी वाणी भी ऐसी रहेगी जो उनकी दिव्य वाणी रहेगी, लेकिन इस संसार की बोली के अकॉर्डिंग ही वो बोली बोलेंगे। गाली गलौज तो करेंगे नहीं, बहुत ही अच्छी भाषा में वो दूसरों को अपनी बातें समझाएंगे। चूँकि सामने वाला इंसान ना उनकी भावनाओं की कद्र करेगा, ना उनकी मंशा समझेगा, ना उन्हें पहचान पाएगा, इसलिए उनका अपमान करेगा बार बार। यहाँ तक अपमान उनका होगा, माऊजी ने लिखा है, संत माऊजी की घटना है, उन्होंने जो लिखा है चोपड़ा में, वो मैं आपको बतला रही हूँ कि ऐसा एक दिन आएगा कि इंसान इस कदर अपने बुरे बर्ताव में आगे बढ़ जाएगा कि उनको उठाकर, यानी कल की अवतार को उठाकर, अनजाने में चूंकि पहचान नहीं पाएगा, जेल के अंदर बंद कर देगा। और जिस दिन वो जेल के अंदर बंद होंगे, समझिए उसी दिन से महाप्रलय की शुरुआत धरती पर हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्लियरली लाइन मेंशन की है कि श्रीहरि जिस दिन गए जेल के अंदर, समझो उस दिन प्रलय आई धरती के अंदर। तो प्रलय उस दिन धरती पर दस्तक देगी, ऐसी महाप्रलय जिसमें शिव का तांडव, क्योंकि शिव आदि शक्ति का आशीर्वाद कल की अवतार के साथ है। तो मिसबिहेव इतना अधिक हो जाएगा, इतना अधिक उनका अपमान होगा, उसे तो वो सहन कर लेंगे। अब जितना भी कोई बुरा बर्ताव करेगा, क्योंकि वो समझेंगे कि ये इंसान सामने वाला, उसकी बुद्धि ही निम्न बुद्धि है, वो अपने घमंड के कारण ऐसा बोल रहा है, तो सामने वाले को वो समझाने की भरसक कोशिश करेंगे। बट आफ्टर ऑल अकॉर्डिंग टू कर्मा वो रिजल्ट तो देंगे, हर एक को रिजल्ट मिलेगा, दुशासन को भी मिला, दुर्योधन को भी मिला, और पांडवों ने भी, चूंकि द्रौपदी के चीरहनन को होते हुए देखा, उन्होंने भी पाप किया था, तो पांडवों को भी श्री कृष्ण ने बख्शा नहीं, बल्कि अर्जुन के हाथों भीष्म पितामह के ऊपर भी तीर चलवाए, जबकि अर्जुन के बहुत फेवरेट थे, उनके बड़े थे, उनके पितामह थे। सोचिए अर्जुन को कितनी तकलीफ हुई होगी, वो तकलीफ वही कि क्यों तुमने पाप किया था, अपनी पत्नी का चीरहरण होते हुए क्यों देखा। तो एक भी छोटा सा पाप भले उनके डिवोटी के द्वारा भी हो, तो वो बख्शने वाले नहीं हैं। वैसे भी श्री कृष्ण का एडवांस रूप है, द्वापर युग के बाद है कलयुग, तो श्री कृष्ण का एडवांस रूप यानी कल की अवतार, तो भरसक अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का इंसान घमंड, स्वार्थ और अपने मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर के कारण इतना अंधा हो चुका है कि वो सोचेगा कि ये जो अनाप शनाप बक रहा है सामने वाला इंसान, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ अलग ही अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, हमें समझाने चला है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है क्या इनके पास, उठाकर उन्हें भी जेल में बंद करेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, कल की अवतार यानी श्रीहरि, श्रीहरि का नाम संत माऊजी ने लिखा है, वो कल की करके नहीं, वो श्रीहरि करके उन्होंने अपने चोपड़े में वर्ड लिखा है, तो जिस दिन श्रीहरि गए जेल के अंदर, समझो प्रलय आई धरती पर। उस दिन मानव को कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मानव को बचाने वाला जो है, धरती पर जो अवतरित हुए हैं, तुमने उसे ही अपनी गलत बुद्धि के कारण कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो जब तुमने कहीं से कहीं पहुँचा दिया, उसी को
जिसके द्वारा तुम्हारा भला होना था, फिर तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। और इसलिए कलयुगी मनुष्य कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है कि वो अपने विनाश का जिम्मेदार खुद ब खुद होगा। जैसे इंसान खुद की कब्र खोद लेता है, वैसे ही बुरे कर्म उसके ही कब्र उसके ही हाथों खुदवाएंगे। तो इसमें कल्कि अवतार कहीं से भी बिल्कुल भी दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो तो भरसक कोशिश करेंगे अपनी तरफ से वार्निंग देने के लिए, लेकिन कल्कि अवतार के साथ अपमानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार आज के मनुष्यों का, क्योंकि वो पहचान नहीं पाएंगे। और कल्कि अवतार अपनी लीला, अपने अस्त्रों की लीला या वो क्या है, एक साधारण मानव को कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका मिशन बहुत साइलेंट मिशन है। जो लोग समझ पा रहे हैं वही समझ पा रहे हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो तर्क और वितर्क में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार जो संत माऊ जी ने आज तक अपने चोपड़े में जो भविष्यवाणियाँ की हैं, उन भविष्यवाणियों को आज हर इंसान सही पा रहा है। 300 वर्ष पूर्व की भविष्यवाणियाँ आज सत्य हो रही हैं, तो हो सकता है ये भविष्यवाणी भी कल सत्य हो, क्योंकि आज का इंसान मैं के आगे कुछ भी और देखने में बिलीव नहीं करता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।